छत्तीसगढ़ जनजाति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले, छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं, तो उसको सबसे पहले देख लेंगे कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ तो 5 केंद्र सरकार द्वारा होती है और 2 राज्य सरकार द्वारा, तो वो कौन कौन से हैं, तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले 5 देखेंगे जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। अभुजमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा, ठीक है, जो कि 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं पिछड़ी जनजातियाँ, और 2 राज्य सरकार द्वारा, कौन कौन से हैं, भुंजा और पंडोग। ये सीजी व्यापम में पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, कितनी हैं, 7। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 50 MCQ डेली आपको जनजातियों से कराया जा रहा है, और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में उराव जनजाति निवास नहीं करती। ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ उराव जाति निवास नहीं करती, तो ऑप्शन आप बता सकते हैं, कबीरधाम, जो कि उराव जनजाति है जो निवास नहीं करती। तो कौन कौन सी जनजाति हैं जो वहाँ निवास करती है, तो यहाँ पर सरगुजा, कोरिया, जसपुर, ये तीनों जिला में उराव जनजाति निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में अति पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है, तो अति पिछड़ी जनजाति कौन कौन से पाई जाती है, तो कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा, यानी कि तीनों ही भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजातियाँ में पाई जाती है। सबसे IMP क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये पर्जा पिछड़ी जनजाति में नहीं आती, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2, 3 और 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो ये सब पिछड़ी जनजातियां हैं लेकिन उराव, ठीक है, उराव एक पिछड़ी जनजाति नहीं है, इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भडम नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है, तो भडम नृत्य भारतीय जनजाति का प्रिय नृत्य है, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप मानती है, तो राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जो घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है ना, तो इसका आंसर मुड़िया होगा, जो कि घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है। अगला क्वेश्चन है, ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न है, ककसार नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, उड़िया विवाह, ये उघड़िया नहीं है ना, उड़िया है, उड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो उड़िया कौन सी जनजाति में प्रचलित है, बैगा जनजाति में, ठीक है, बैगा जनजाति के लोग उड़िया विवाह प्रचलन है उसके में। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सीजी व्यापम और पीएससी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है, ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। घोटुल पारा नामक मृत्यु किस जनजाति से संबंधित है, घोटुल मुड़िया जनजाति से संबंधित है, कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। बहेलिया श्रेणी की जनजाति, अब देखिए बहेलिया श्रेणी यानी कि पक्षियों का शिकार करते हैं, कौन सी जनजाति, बहेलिया श्रेणी के लोग पक्षियों का शिकार करते हैं,
उसी प्रकार पारधी के लोग भी पक्षी का शिकार करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा पारधी। ठीक है, बहेलिया पारधी की श्रेणी की जनजाति है। उसके बाद देखेंगे ग्यारहवा क्वेश्चन है कि कोरवा, ये कोरवा नहीं है ना, कोरवा है, कोरवा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो कोरवा जनजाति के लोग दमनच नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? दमनच नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। तो विधवा विवाह को पुनर्विवाह कहा जाता है, चूरी पहना विवाह भी बोला जाता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति में विधवा विवाह को विधवा पुनर्विवाह भी कहा जाता है, चूरी पहना विवाह भी कहा जाता है, और उतो विवाह भी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में डी में दिख रहा है और उतो विवाह। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह को कौन कौन सा विवाह कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है, चूरी पहना विवाह कहा जाता है, और उतो विवाह भी कहा जाता है। जनजाति से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा चुका हूँ पार्ट वन में। ठीक है, ये जनजाति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है। तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति बिंझवार जनजाति है, जो कि विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो मृतक कौन से करती है, माड़िया जनजाति के लोग मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। इसके बाद देखेंगे पंडो किस जनजाति की उपजाति है। पंडो किसकी उपजाति है, माड़िया। ठीक है, पंडो माड़िया जनजाति की उपजाति है। राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है। राज्य की कौन सी जनजाति है जो भयोत्पादक होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कोरवा। ठीक है, कोरवा जनजाति के नृत्य भयोत्पादक होता है। कोरवा नहीं है ना, वो कोरवा है। इसके बाद है किस जनजाति में बहनों से भी विवाह किया जाता है। भाई बहन में भी विवाह किया जाता है, फुफेरा भाई फुफेरा का भी विवाह किया जाता है, फुफेरा वाला समझे ना, गौंड जनजाति में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरवों को अपने पूर्वज मानने वाली जनजाति, कौरव लोग अब कौरवों को अपने पूर्वज कौन सी जनजाति मानती है। इसका आंसर होगा कमार। कमार लोग कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि देखिए परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है। परजा यानी कि धुरवा है ना, परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन कहता है, राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था। तो पूर्व में बोला गया है ना, तो बस्तर जिला आएगा पूर्व में। राज्य के कौन सा जिला है जो पूर्व में नरबलि हेतु प्रचलित था, बस्तर। वर्तमान में कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। वर्तमान में कौन सा जिला है जो पूर्व अभी हाल नरबलि हेतु प्रचलित था, कमेंट में बताएं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम की कृषि करती है। झूम की कृषि कौन सी जनजाति करती है, झूम की जनजाति माड़िया लोग करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को गवन विवाह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बाल विधवा का जो विवाह होता है उसको गवन विवाह कहा जाता है ना। चलिए 23 क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है। तो महारा बाजा में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, तोहेली, जो कि जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा शामिल नहीं है। इसके बाद 24 क्वेश्चन देखेंगे, 24 है कि गोंड जनजाति में मंडई के मुख्य दिन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है। ए बाल तोर नृत्य किया जाता है। गोंड जनजाति के लोग मड़ई के मुख्य दिन में ए बाल तोर नृत्य किया जाता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति से क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जनजाति से।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो कौन सी जनजाति है जो आपको ही महादेव की संतान मानती है? अपने आप को कौन सी जनजाति है? भील के लोग वो जनजाति हैं जो अपने आप को महादेव की संतान मानती है। 26 क्वेश्चन है कि कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? जी देखिए, कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? तो ये कोल जनजाति को कहा जाता है, कोल, ठीक है, कोल जनजाति को कोलेरियन और मुंडारी जनजाति कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? तो हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा में करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर होगा धुरवा। धुरवा जाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा में करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? मनवार भी कहा जाता है, तो कौन सी जनजाति है? कंवर जनजाति। कंवर जनजाति को मनवार भी कहा जाता है, CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आज का 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना, चलिए 30 प्रश्न कराएंगे आज के लिए ही। कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है? तो ये दंतेवाड़ा में नहीं है, ठीक है। किस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है? अब यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है? तो धनवार जनजाति को धनुहर कहा जाता है। ये क्लास पहला था, क्लास पहला था। सेकंड क्लास आज शाम 6 बजे होगी, सेकंड क्लास शाम 6 बजे, ठीक है।